जान के कैरेक्टर के बारे में मैं बताऊं? थैंक्स मत बोलो। फर्स्ट थॉट ये आया कि जान बहुत ही थॉट आया था ना थॉट आया था कि जान बहुत क्यूट है, हो गया। अरे हाउ स्वीट। नताशा को जब मैंने पहली बार देखा था तो इतनी हॉट, हम सबका रिएक्शन, मतलब क्या सारी ऑडियंस यही लेके आएगी, भाभी जी घर पे कोई नहीं देखेगा क्या? चाहत का वेरी क्यूट, वेरी पॉजिटिव, और जो उसके दिल में होता है वही उसके जबान पे होता है। बहुत ही प्यारी बच्ची, और देखना आप ये शो में बहुत आगे जाएगी हम सबको लेकर। जान और चाहत दोनों इतने सुंदर है ना, इतने सुंदर है कि नज़र ही नहीं हटती। मैंने तो भगवान से अभी से बोल दिया कि नेक्स्ट जन्म में मुझे ऐसा फेस देना, ऐसे स्किन देना और हॉट ऐसे ही रखना। दिस इज ये दिल से बटरिंग है। नहीं नहीं सच बोले तो सिर्फ ऑन स्क्रीन है। जस्ट किडिंग। सो बेसिकली हम यार तीनों फ्रेशर्स हैं, तीनों का पहला शो है साथ में, तो डेब्यू कर रही टीवी में, तो हमारी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हम बहुत अच्छे। एक बात बोलना चाह रहे हैं नताशा के बारे में कि इसका फर्स्ट सीरियल है एंड ये बहुत मेहनत करी है। पहले शो में इतनी मेहनत करना, लाइक धीरे धीरे काम करके हमें तो हैबिट हो जाती है, धीरे 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 हम उस जोन में जाते हैं कि हमें इतने घंटे काम करना है, फिर थोड़े घंटे सोना है, फिर हमें वापस जाके 12-13 घंटे काम करना है। बट नताशा बहुत हार्ड वर्क कर रही है एंड बहुत मेहनत कर रही है अपने रोल को लेके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब ये इतनी मेहनत करती है फर्स्ट सीरियल में, अपना मतलब 500% ये दे रही है, और हम सब लोग इनफैक्ट बहुत मेहनत कर रहे हैं, जान भी तो मिठाई का डब्बा घर पे पक्का। जान भी बहुत मेहनत कर रहा है, और हमारे जितने भी किरदार हैं हमारे इस शो में वो सब अपने तरीके से अपने रोल के लिए 100% दे रहे हैं और सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा शो देखें, क्योंकि हमने गाइस बेसिकली इट्स अ डू और डाई सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज़ इट्स अ फर्स्ट शो, आई एम प्लेइंग द मेन लीड, हमारी हीरोइन तो हमें कुछ मतलब हमें अपना बेस्ट देना ही है यार, हमें अपना बेस्ट करना है, हमें एक्टिंग कैरेक्टर्स में ऐसा ढलना है कि लोग हमसे रिलेट कर पाएँ, बहुत कन्विंसिंगली हम हर चीज़ बोलें, एक एक डायलॉग फील करके बोलें, तो वी ऑल आर वेरी वर्किंग हार्ड, जितना हो सकता है हमसे कर रहे हैं। सो जस्ट होपिंग, आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट कि आप लोगों को बहुत पसंद आए, और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। सो हॉट, ओ पाकी को देख के आप स्माइलिंग, क्यूट हीरोइन ना, सही ये था। जब मैंने फर्स्ट टाइम रीवा से जब मैं मिली तो तब इसका लुक टेस्ट चल रहा था एंड तब मैं इससे मिली एंड मैंने इसको देखते ही बोला ओ माय गॉड यू आर सो हॉट एंड शी सेड यू आर सो ब्यूटीफुल। अरे इसने बोला, ये बोला था इसने ये सच में, और मैंने भी बोला था, तो हम कुछ बटरिंग नहीं कर रहे एंड जान को हम दोनों के बीच बहुत प्यार है, हम साथ में रूम शेयर करते हैं, देख नया शो आने वाला है, लड़कियों को साथ में आना जाना भी करते हैं हम। बस गाइस असलियत मत बताओ, जान को जब देखा मैं मतलब ही इज सो गुड लुकिंग, अब मैं क्या बोलूं, और गुड लुकिंग गुड लुक्स तो छोड़ दो, एक्टिंग बहुत मस्त करता है, मतलब एक्टिंग जब मैं देखती हूँ ना कि वो क्लोजअप हो रहा है कुछ भी, तो आप उसकी तरफ से नज़र नहीं हटा सकते हो, क्योंकि ही हैज़ गॉट दैट पावर टू होल्ड यू ऑन द स्क्रीन, जो बहुत कम लोगों में होता है विद अ क्यूट फेस। जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है ना ऑफ स्क्रीन हम आपको ऑन स्क्रीन नहीं बता सकते। सो वैसे हम बड़े मस्ती मारते हैं यार, हम लूडो खेलते हैं साथ में, ऊनो खेलते हैं, दमशराज खेलते हैं, नॉर्मल चिल करते हैं बस। चाहत को पुराने गाने बहुत पसंद है, नीले नीले अंबर, नीले नीले अंबर और सब इस दीवाने लड़के से, मतलब वो कोई भी गाना लगा के वो पूरा दिन डांस करती रहती है एंड शी इज़ लाइक अ एंटरटेनर, मतलब मेकअप रूम में अगर कुछ भी नहीं है हमें सीन लाइक एक घंटे के बाद है, इसका एनर्जी कभी डाउन नहीं होता है, शी इज़ ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी एंड सच अ स्वीट गर्ल एंड कभी किसी का बुरा नहीं बोलती है, कुछ बिचिंग नहीं होती है, सिर्फ अच्छाई अच्छाई। मैं कभी कभी सोचती हूँ इतना अच्छा प्रोडक्शन हाउस हमारा हो कैसे गया, लाइक यू नो नहीं हो ही नहीं सकता है, भगवान भी आके बोलेगा तो भी मैं नहीं बिलीव करूंगी बिकॉज शी इज सच अ स्वीट। नहीं सारे लोगों आस्क योर फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स एक्स गर्लफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड्स और पड़ोसी, पापा की 5-6 गर्लफ्रेंड जितने भी हो सारे के सारे प्लीज़ 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 हमारा शो देखिए, आप बहुत सारा ढेर सारा प्यार चाहिए, आप लोग का प्यार दीजिए सब प्लीज़, बहुत अच्छा शो हमारी बहू सिल्क, मंडे टू फ्राइडे 10:30 PM रात को ओनली ऑन ZTV। थैंक यू गाइस।